Guys, so this is my house. I don't know what to do. It's all, everything's flooded. जापान में आया विंटर स्टॉर्म, जापान में हुई इतनी बर्फबारी, आखिर क्यों? क्या ये धरती के अंत के संकेत हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जापान में लास्ट वीकेंड आया एक बर्फीला तूफान जिसने वहां तबाही मचा कर रखी है। ये बहुत खतरनाक विंटर स्टॉर्म है। ये इस महीने का तीसरा बर्फीला तूफान है जिसने जापान को अपने आगोश में ले लिया है। इस तूफान में लगभग 10 लोगों के मारे जाने, 250 लोगों के करीब घायल होने, लगभग 1000 से ज्यादा व्हीकल्स यानी कि वाहनों के फंसने का अनुमान लगाया जा रहा है। मरने वालों में न केवल बर्फ में फंसे हुए लोग बल्कि बर्फ हटाने के काम में लगे हुए लोग भी शामिल हैं। उत्तरी और मध्य जापान में इस तूफान ने कहर डाल रखा है। बताया जा रहा है इतिहास के सबसे भयंकर बर्फीले तूफानों में से एक है। इस विनाशकारी तूफान का मंजर दिल दहला देने वाला है। दोस्तों, स्नोफॉल देखना हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं मूवीज और पिक्चर्स में खूबसूरत दिखने वाले ये बर्फ परेशानी का सबब भी हो सकती है। व्हाइट क्रिसमस, व्हाइट न्यू ईयर सभी को देखने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, दूर तक बिछी सफेद चादर, 4 दिन तक घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए स्नोमैन बनाकर फोटो क्लिक करवाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इन्हीं हालातों में रोज रहना पड़े तो जिंदगी आसान नहीं होती। ये तो बात हुई स्नोफॉल की। अगर यही स्नोफॉल बर्फीले तूफान में बदल जाए तो बहुत भयानक मंजर होता है। जापान, जहां लगातार 7वें दिन तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, भारी बर्फबारी हो रही है, सड़कों पर चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है जिससे ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से ठप हो गया है। अनेक व्हीकल्स सड़कों पर फंस गए हैं, लोगों के लिए कहीं भी आना जाना मुश्किल हो गया है, लोग घंटों तक गाड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस बर्फीले तूफान ने लोगों की परेशानियों को बहुत ही बढ़ा दिया है। हालांकि बर्फ हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन बर्फ हटाने के बाद सड़कें इतनी स्लिपरी हो जाती हैं कि उन पर चलना और व्हीकल चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस तूफान में जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हैवी स्नोफॉल के कारण मिड जापान में आने वाले सारी गाड़ियां, सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। ट्रेन सर्विसेज भी फिलहाल बिल्कुल बंद है। 1200 से ज्यादा ट्रक होनिशकु नेशनल हाईवे पर अभी भी फंसे हुए हैं। पावर सप्लाई फेल हो गई है। वहां के एरिया के लगभग 10,000 से ज्यादा घरों में अभी बिजली नहीं है। सोच कर देखिए, घर के बाहर बर्फ और अंदर पावर कट, रोशनी का कोई नामो निशान ही नहीं। कितना मुश्किल होगा इन हालातों में रहना। लोग ना कहीं आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं और ना ही कोई जरूरी सामान घर का खरीद सकते हैं। विजिबिलिटी 0 हो गई है जिसके कारण ड्राइवर कुछ भी देख नहीं पा रहे। वाहन आपस में टकरा रहे हैं। हालांकि बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने यहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलाने पर रोक लगा दी है, मतलब उसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन बर्फीले तूफान के आगे सब रूल्स एंड रेगुलेशन फेल हो गए हैं। लोग चाहकर भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। प्रकृति के सामने कई बार इंसानियत और टेक्नोलॉजी सब फेल हो जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि जापान की किस जगह पर कितनी बर्फबारी हुई है। जापान के शीगा प्रीफेक्चर, शीगा प्रांत के हाइकोनेन में 68 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। वहीं हाइगो प्रीफेक्चर के असोगो में 71% सेंटीमीटर तक के बर्फबारी हुई है। इस दौरान गुनामा प्रीफेक्चर के मिनिकामी में 70 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। वहीं फुकुशिमा प्रीफेक्चर के आइजुवा कामात्सु में भी लगभग 55 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। अभी तक तो आपको ये सब बहुत ज्यादा लग रहा होगा ना, लेकिन जापान के कुछ शहरों में तो इससे भी ज्यादा बर्फबारी होती है। आइए आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा बर्फबारी कहाँ हुई। जापान के ओयोमोरी में सबसे ज्यादा लगभग 200 सेंटीमीटर करीब बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इन शहरों के साथ साथ क्योटो, नोगिया, हिरोशिमा में भी जमकर स्नोफॉल हुआ है और अभी इस तूफान के जल्दी थमने के भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जापान के कुछ इलाके ही शायद बर्फ के तूफान में दब जाएंगे। भारी बारिश और ठंडी हवाओं का ये दौर लंबे समय तक चल सकता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इन तूफानों से, इन विंटर स्टॉर्म से आई मुसीबतों का अंदाजा कितना होता है? बर्फ की तेज बारिश, ठंड से कपकपा देने वाली तेज हवाएं लोगों की जिंदगी को कैसे दुभर कर देती है।
टेम्परेट क्लाइमेट वाले इलाकों में तो ये बर्फीला तूफान केवल सर्दियों में ही नहीं बल्कि उससे पहले और बाद के मौसम में भी आता है। इससे पहले 1990 के दशक में अमेरिका में भी कई बार इस तरह के तूफान रिकॉर्ड किए गए थे। 1947 में अमेरिका में लगातार बर्फ गिरने से 12 फुट तक बर्फ जमा हो गई थी और कई महीने तक तापमान ना बढ़ने के कारण ये बर्फ ज्यों की त्यों पड़ी रही, कई महीनों तक पिघली नहीं थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जापान में भी इस समय कुछ हिस्सों में 7 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है, जिसमें शायद कुछ घर और गाड़ियां भी दफन हो चुकी होंगे। इस तूफान में अनगिनत पेड़ पौधे तबाह हो जाते हैं। पशु पक्षियों के लिए तो तूफान का समय और उससे बचना और भी मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही भयंकर तूफान है जिसने जापान की मुश्किलों को बहुत ही बढ़ा दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया कि 200 लोगों को मौके से रेस्क्यू किया गया है। इनमें से कई लोगों को अस्पताल भेजना पड़ा। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है। इन वाहनों में फंसे लोगों के लिए अधिकारियों द्वारा कंबल और खाना पहुंचाया जा रहा है। उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी के मामले में सबको पीछे छोड़ देने वाला ये देश जल्द ही इस प्राकृतिक आपदा का भी बेहतरीन तरीके से समाधान कर लेगा और हालात पर काबू पा लेगा और जापानी लोगों को ज्यादा लंबे समय तक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए अब हम आपको बता दें कि इन बर्फीले तूफानों के पीछे कारण क्या है, क्यों प्रकृति इस तरह हम पर अपना कहर बरपा रही है। समुद्र में कम दबाव के क्षेत्र में चक्रवात के कारण अपेक्षाकृत गर्म हवाओं का चक्र बनता है। अगर सतह के पास पर्याप्त ठंडी हवा नहीं होती तो बर्फीली बारिश हो सकती है, क्योंकि चक्रवातों के कारण कम दबाव वाले क्षेत्र में हवा बहुत तेज बहती है, इसलिए बहुत तेज हवाओं से बड़े बर्फीले तूफान बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है बर्फीले तूफानों के बनने की, लेकिन सबसे बड़ी बात, बर्फीले तूफान जब आते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें लाते हैं। इससे फ्रॉस्ट बाइट होता है, अंगूठे आधे फील नहीं होते, साथ ही हाइपोथर्मिया का भी खतरा बना रहता है। अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही तकलीफदायक स्थिति होती है। तो सबसे बड़ा सवाल कि अचानक पूरे ग्लोब में, पूरी पृथ्वी पर ये अचानक से बहुत तेज बर्फ गिर जाना, बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, बेमौसम की चीजें होना, ये सब कैसे संभव हो पाया, इसके पीछे क्या कारण नजर आता है आपको? इसके पीछे वो कोई कारण नहीं, बस एक ही कारण है और वो है हम इंसान। हम इंसान इस धरती को इस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं ताकि हम बेहतर जिंदगी जी सके, दूसरे जिए या ना जिए हमको कोई मतलब नहीं उससे। और जहां भी ये बात आती है वहां पर आता है वापस से नेचर, और नेचर अब ह्यूमन बींग्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही नाराज हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से जो बदलाव आ रहे हैं वातावरण में, मौसम में, वो बहुत ही ज्यादा विकराल रूप लेते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली है, ग्लेशियर्स पिघलने वाले हैं और पानी बरसेगा, पानी नदियों में जाएगा, वहां का लेवल बढ़ेगा और धीरे धीरे ये नदियां जो जाकर समंदर में मिलती हैं तो समंदर का भी लेवल बढ़ेगा और समुद्र तट किनारे बसे सारे शहर भारत के वो पानी में जलमग्न हो जाएंगे। तो हमें अभी तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकियों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ तो कर सके। धन्यवाद।